यहाँ सरकारी क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, इनकी तरह सरकारी क्षेत्र में वैसा रोजगार पैदा नहीं कर रहे कि सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में है, वहां से कुछ लोगों के पैसे लेकर उनको पास करवा दिया जाता था, उनको सरकारी नौकरी दे दी जाती थी। हम वो रोजगार पैदा कर रहे हैं जहां मेरिट होगी, वो बच्चा आगे आएगा, उसको सरकारी क्षेत्र में रोजगार होगा, टेस्ट के माध्यम से बच्चा आएगा। हमने देखा कि भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, जहां पेपर बेचे जा रहे हैं, कर्मचारी उसमें सम्मिलित है। मैंने उस भ्रष्टाचार के बोर्ड को भंग किया और अब नया राज्य चयन आयोग बनाया। हम लोगों ने राजनीति का माध्यम इसलिए नहीं चुना कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, राजनीति का माध्यम इसलिए चुना कि हम समाज के उन व्यक्तियों तक पहुंच बनाए जो व्यक्ति हमारी योजनाओं से वंचित रह चुका है। ये सरकार की कटिबद्धता है। यहाँ सरकारी क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, इनकी तरह सरकारी क्षेत्र में वैसा रोजगार पैदा नहीं कर रहे कि सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में है, वहां से कुछ लोगों के पैसे लेकर उनको पास करवा दिया जाता था, उनको सरकारी नौकरी दे दी जाती थी। हम वो रोजगार पैदा कर रहे हैं जहां मेरिट होगी, वो बच्चा आगे आएगा, उसको सरकारी क्षेत्र में रोजगार होगा, टेस्ट के माध्यम से बच्चा आएगा। हमने देखा कि भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, जहां पेपर बेचे जा रहे हैं, कर्मचारी उसमें सम्मिलित है। मैंने उस भ्रष्टाचार के बोर्ड को भंग किया और अब नया राज्य चयन आयोग बनाया। हम लोगों ने राजनीति का माध्यम इसलिए नहीं चुना कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, राजनीति का माध्यम इसलिए चुना कि हम समाज के उन व्यक्तियों तक पहुंच बनाए जो व्यक्ति हमारी योजनाओं से वंचित रह चुका है। ये सरकार की कटिबद्धता है। यहाँ सरकारी क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, इनकी तरह सरकारी क्षेत्र में वैसा रोजगार पैदा नहीं कर रहे कि सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में है, वहां से कुछ लोगों के पैसे लेकर उनको पास करवा दिया जाता था, उनको सरकारी नौकरी दे दी जाती थी। हम वो रोजगार पैदा कर रहे हैं जहां मेरिट होगी, वो बच्चा आगे आएगा, उसको सरकारी क्षेत्र में रोजगार होगा, टेस्ट के माध्यम से बच्चा आएगा। हमने देखा कि भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, जहां पेपर बेचे जा रहे हैं, कर्मचारी उसमें सम्मिलित है। मैंने उस भ्रष्टाचार के बोर्ड को भंग किया और अब नया राज्य चयन आयोग बनाया। हम लोगों ने राजनीति का माध्यम इसलिए नहीं चुना कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, राजनीति का माध्यम इसलिए चुना कि हम समाज के उन व्यक्तियों तक पहुंच बनाए जो व्यक्ति हमारी योजनाओं से वंचित रह चुका है। ये सरकार की कटिबद्धता है।